ये दादी है मेरी, भानी दादी, जिनकी वजह से तुम इस घर में आई थी। तुमने अपना पहला कदम रखा था एज अ फिजियो, तुम इस घर के अंदर आई थी इन्हीं के लिए। अब बताओ, इस फैमिली को देखकर तुम्हें कुछ याद नहीं आता? तुम इनको नहीं पहचानती? ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम इन्हें ना पहचान। बोलो, याद आया? कुछ याद नहीं है। जब मैं इन्हें जानती ही नहीं तो क्या याद आएगा मुझे? सृष्टि, क्या कहा तुमने? तुम इनको नहीं जानती? तुम इनको नहीं पहचानती? अरे ये प्रीता, तुम इनको नहीं पहचानती हो? तुम इस घर की नींव थी, जड़ थी, इस घर की खुशी थी ये कि मेरी मॉम ये तुम्हें अपनी बेटी मानती थी, इस घर की लक्ष्मी बुलाया करती थी तुम्हें। वो सारे रिश्ते नाते, इतने गहरे रिश्ते, वो तुम कैसे भूल सकती हो? तुम्हारा और मेरा रिश्ता, मैं तुम्हारे लिए, तुम मेरे लिए, हम दोनों एक दूसरे के लिए, हम दोनों की शादी हुई थी, इतनी सारी खुशियां। कैसे भूल सकती हो ये सब कुछ? अरे इस परिवार को तुम कैसे भूल सकती हो? याद करने की कोशिश करो पिता, तुम जानती हो इन्हें। हाँ, प्रीता, तू सच में आ गई? तू ही है? मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। तुझे याद है तू मुझसे कितना प्यार करती थी, जान छिड़कती थी मुझ पे। मैं तेरी राखी माँ हूँ, सारा दिन राखी माँ कहते हुए तेरी जुबान नहीं थकती थी, याद है ना? लेकिन इतने साल हो गए हमको बिछड़े हुए, क्या तुझे एक बार भी मेरी याद नहीं आई पुत्र? एक बार भी नहीं आई। लेकिन मुझे हर रोज तेरी बहुत याद आती थी। ऐसा एक पल नहीं गुजरा जब तेरा चेहरा मेरे सामने ना आया हो। माता रानी से यही प्रार्थना करती थी कि मेरी प्रीता जहाँ कहीं भी हो, खुश हो, सलामत हो। रोज भगवान से कहती थी मेरे घर की लक्ष्मी को वापस घर भेज दो। और आज माता रानी ने मेरी सुन ली। तेरी ना मौजूदगी में भी मैंने तेरे से मिलने की उम्मीद कभी नहीं छोड़ी। और आज देखा हम सबने, माता रानी ने मेरी सुन ली, हमारी प्रीता घर आ गई, मेरी बेटी घर आ गई। मम्मी जी प्रीता घर आ गई। तुझसे नाराज हूं, बहुत नाराज हूं। तूने मेरे साथ बहुत गलत किया पुत्र। दिल जोड़ के दिल तोड़ दिया,
याद है तुझे जब तू पहली बार इस घर में आई थी तो मैं तुझसे कितनी नफरत करती थी, बहाने ढूंढती थी तुझे इस घर से निकालने के, लेकिन तूने उन्हीं बहानों में से रास्ता ढूंढकर मेरे दिल में प्यार भर दिया। कितना प्यारा रिश्ता था, कितना प्यार करती थी मैं तुझसे, और तू फिर छोड़ के चली गई। उस दिल को तोड़ दिया जिसमें तूने ही प्यार भरा था, मेरे दिल में तूने ही प्यार भरा था, वो ही दिल तोड़ के चली गई तू। तुझे भूलने की मैंने बहुत कोशिश की पुत्र, तेरे प्यार को तेरी यादों को बहुत भूलना चाहती थी, लेकिन जितना भी मैं भूलना चाहती थी उतनी तुम मुझे याद आती रही। बहुत प्यार करती पुत्र मैं तुझसे, मैं तुझे नहीं भूल सकी। भूल नहीं पाई। प्रीतम 100% श्योर मैं तो तुम्हें डेफिनेटली याद हूँ, राइट? तुम ना मुझे ज्यादा पसंद नहीं करती थी इस घर में, बाकी सबसे बहुत प्यार करती थी। कई बार तो ऐसा होता था कि मैं ना बिल्कुल अकेली पड़ जाती थी, तुम बाकी सबको सपोर्ट करती थी, बाकी सब तुम्हें सपोर्ट करते थे, लेकिन तुम मुझे पसंद इसलिए नहीं करती थी क्योंकि मैं तुमसे नफरत करती थी। हर बार तुम्हें मिडिल क्लास लड़की कह के बुलाया करती थी, फिर तुमने उस नफरत को प्यार में बदल दिया। मैं तुम्हें बहुत पसंद करने लग गई, बहुत प्यार करने लग गई तुम्हें, तुम्हें बहुत सपोर्ट करने लगी थी, लेकिन बेटा वो आखिरी बार जो हुआ, मैं तुझसे नाराज थी, मैंने तुझे भला बुरा कहा, उसकी इतनी बड़ी सजा दी तुमने, बेटा अपने ही तो डांटते हैं ना छोटों को, बड़ी हूं तुमसे, पूरा डांट लिया तो क्या हुआ, लेकिन तुम हमें छोड़ के चली गई, एक दो दिन या एक दो हफ्तों के लिए नहीं, इतने सालों के लिए, इतनी बड़ी सजा दी मुझे, हम सबको। तूने मुझे भी नहीं पहचाना बेटा, मैं तेरा महेश पापा, क्या कहती थी मुझे कि पापा, जब भी मुझे अपने पापा की याद आती तो मैं आपके पास आ जाती हूं, यही कहती थी ना तुम मुझे। बेटा तेरा मेरा रिश्ता तो रब ने बनाया था, मुझे भी भूल गई, उस पवित्र रिश्ते को भूल गई, बाप बेटी के रिश्ते को भूल गई, और बेटा बाप तो छोड़, तो तुम उससे कहती थी मैं तेरा दोस्त हूं, अपने दिल की सारी बातें मुझसे शेयर करती थी, कुछ याद नहीं है तुझे? I'm sorry. आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रही। मैं नहीं मानती ये सब कुछ, क्योंकि मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा है। हो सकता है कि मेरे जैसी दिखने वाली कोई और, मतलब मैं आपको नहीं जानती। नहीं जानती, लेकिन
लेकिन प्रीता हम तो जानते हैं ना कि हमने तुमसे कितना प्यार किया है, इतना प्यार किया है कि प्यार भी कम पड़ जाए। जब तुम यहां पर नहीं थी ना तो तुम्हारी याद में रोया करते थे, और आज जब तुम हम सबके सामने हो ना तो तुम्हें देखकर तुम्हारी खुशी में आंसू बह रहे हैं। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, ये रिश्ता दिखाई नहीं दे रहा है, सबकी आंखों में आंसू दिखाई नहीं दे रहे। तुम मुझे नहीं पहचान रही, मैं करण लूथरा, मैंने कभी किसी से प्यार नहीं किया, पहली बार प्यार किया तो तुमसे। और सच कह रहा हूं प्रीता, इतना प्यार किया कि प्यार का नाम प्रीता रख दिया। और तुम कह रही हो कि तुम मुझे नहीं पहचानती, अपने करण को नहीं पहचानती, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि तुम मुझे ना पहचानो। मैं आपको जानती लेकिन जाती नहीं आती नहीं। I don't know who you are. और आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? ये प्यार? Now I know. अगर मैं यहां पर किसी को जानती हूं तो इसको निधि। बहुत ही खराब औरत है और मेरी जान के पीछे पड़ी। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती, और अब मुझे समझ में आ रहा है कि क्यों पसंद नहीं करती है, क्योंकि उसके हस्बैंड जो कि आप हैं, आप मेरे ही पति हैं। निधि को लगता है कि आप मुझसे प्यार करते हैं, और इसलिए वो मुझे अपने रास्ते से हटाने के लिए मार देना चाहती है। पीछे पड़ी हुई है, और आप भी कमाल करते हैं, मतलब इट्स सो वियर्ड। शादी हो चुकी है आपकी, तो ये प्यार मोहब्बत की बातें आप मुझसे कैसे कर सकते हैं? अरे क्या बातें कर रही हो तुम प्रीता, आर यू मैड और व्हाट? ये चौथी फेल डॉक्टर, मेरी शादी हो चुकी है। हाँ हो चुकी है मेरी शादी, लेकिन तुमसे हुई है मेरी शादी। सिर्फ तुमसे और किसी से शादी नहीं हुई है, ऐसी बातें कर रही हो तुम प्रीता? देखिए ऐसे मत बोलिए, क्योंकि मुझे पता है कि आप उस लड़की के पति हैं। मैंने देखा आप दोनों को एज अ कपल, हस्बैंड वाइफ। बस दी, अब और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मत पूछो क्वेश्चंस, मत एक्सप्लेनेशन दो, मत सुनो इनके जस्टिफिकेशन। बड़े रिश्तों के कसीदे पढ़ रहे हैं आप सब लोग कि किसका रिश्ता दी के साथ कैसा था, किसने दी को कितना प्यार किया, कितना प्यार करते हैं। अरे खाक प्यार करते हैं आप लोग। मेरी दी को आप लोगों ने दुख दर्द के अलावा और कुछ नहीं दिया है। प्रीति ने आप लोगों की वजह से जिंदगी में इतनी तकलीफें झेली है, बच्चे छीन लिए मेरी दी से उनके, उन्हें बेइज्जत करके घर से बाहर निकलवाया। और आप करण जीजू, आप तो एक नंबर के धोखेबाज हो, खुद को लाइफ पार्टनर बुलाते हो, जीवन साथी बुलाते हो दी का, कभी दी की साइड लेते हो और कभी अपनी फैमिली की। और ये निधि, इसकी बहन अंजलि ने मेरी दी की जिंदगी बर्बाद कर दी। अरे इसकी बहन ने मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी उसके बावजूद,
आप सबने इसको इस घर में पना दी है, इस घर का और इस परिवार का हिस्सा बनाया है। अरे ये जैसी भी है निधि डायन, लेकिन इसने इसने बहुत कुछ किया तो है ना आप लोगों के लिए, मेरे जी के बच्चों के लिए, आप लोगों के लिए, जो भी कुछ किया है अच्छा बुरा पता नहीं इसके कर्म यही जाने, लेकिन आप लोगों ने मेरे दी के साथ बहुत ही ज्यादती की है और ये मैं भूली नहीं हूं। अरे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि करण जीजू के साथ अंजलि है, निधि है, कोई और, मैं बस इतना जानती हूं कि इस घर की बहू होते हुए भी मेरी दी ने एक बेटी की तरह इस घर के रिश्तों को अपने खून से सींचा है। और बदले में इनको क्या मिला? बेइज्जती, 20 साल का वनवास। राजवीर, चल घर चल, मुझे यहां से लेकर जा, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। चल प्लीज चल, मुझे घर लेकर चल, यहाँ पर मुझे नहीं रहना है, मेरा दम घुट रहा है। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? किस बात का मैसेज है? ये प्रीता जी हैं। तेरी माँ, तेरी माँ। जिन्होंने तुझे जन्म दिया है, तुझे जन्म देने वाली माँ, वाली माँ प्रीता जी, प्रीता जी। आपको क्या लगा प्रीता जी, शौर्य आपका बेटा नहीं है? कहीं ये गलत फहमी तो नहीं थी आपको कि ये शौर्य निधि का बेटा है और इस गलत फहमी के कारण आप इस घर में नहीं आई? ये आपका बेटा है, शौर्य, शौर्य। मेरा बेटा,
जब ये प्रीता राजवीर पे अपना सारा प्यार लुटा रही थी, उसे पाल पोस के बड़ा कर रही थी, तब शौर्य के पास मैं थी। मैंने इसे ममता दी, इसे प्यार दिया, इसे पाल पोस के बड़ा किया। ये मेरा बेटा है, इसका नहीं। सही कह रही हो निधि, तुमने शौर्य को पाल पोस के बड़ा किया है, उसे सब कुछ दिया, लेकिन अच्छे संस्कार नहीं दे पाए। और कैसे दे दी, वो तो तुम्हारे पास खुद ही नहीं है। देखा तुमने इसे कभी, इसे प्यार की जरूरत है, इसे माँ की जरूरत है। तुम इसकी माँ कभी नहीं बन पाई। तुमने इसे अपना बेटा तो बना लिया, लेकिन इसे अच्छा इंसान नहीं बना पाई तुम। सही कहा आपने शौर्य, शौर्य की माँ मैं हूँ। मैं शौर्य मेरा बेटा है। माँ प्लीज चलिए यहाँ से, घर चलिए, चलिए प्लीज। प्रीता इतने सालों बाद तुम्हें लगता है तुम डिजर्व करती हो इस फैमिली में वापस आना? ये मेरी फैमिली है, यहाँ रहना सिर्फ मैं डिजर्व करती हूँ। इस फैमिली के लिए मैंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, अपनी पूरी लाइफ दी, शौर्य को पाल पोस के बड़ा किया, सबका ध्यान रखा, सबसे प्यार किया। करण, मॉम, डैड, दादी, करीना बुआ, ऋषभ, शौर्य, इन सबके लिए मैंने बहुत कुर्बानियां दी हैं। प्लीज प्लीज मेरी फैमिली मुझसे मत छीनो प्रीता, मैंने बहुत कुर्बानियां दी हैं इनके लिए। अबे ओ नौटंकी, अपनी कुर्बानी से हासिल किए हुए रिश्ते अपने पास रख और मेहरबानी करके हमारा पीछा छोड़ दे, दी का पीछा छोड़ दे। अब सृष्टि एक तरह से निधि भी सही है, इतने सालों से हम यहाँ नहीं थे, लेकिन शौर्य का ख्याल, उसे पाल पोस कर इतना बड़ा निधि ने किया है, हमारे पूरे परिवार का ख्याल निधि ने रखा है। अब देखा जाए तो जितना हक मेरा इस परिवार पर बनता है, उससे ज्यादा निधि तुम्हारा हक बनता है। तो ठीक है, तुम्हारी कुर्बानियों के बदले में मैं तुम्हें अपना परिवार देती हूँ। प्रीता, मैं कुछ हूँ हैं? मैं कुछ हूँ या नहीं हूँ? मैं जब प्रीता के घर पे गया था तो तब ये मेरे साथ यहाँ पर नहीं आना चाहती थी। मैं जबरदस्ती इसको यहाँ पर लेकर आया, ये तो मुझे पहचान भी नहीं रही थी। ये कह रही थी कि ये मुझे नहीं जानती। हाँ, तो मैं तुम्हें अभी भी नहीं जानती, नहीं पहचानती तुम्हें। अगर किसी को जानती हूँ तो शौर्य को। शौर्य हमेशा मुझे मेरे बेटे की जैसा ही लगा। इसके लिए मेरे दिल में इतना प्यार है जितना कि राजवीर के लिए है ना, उतना शौर्य के लिए भी है। ये दोनों मेरी जान है, दोनों मेरे बेटे हैं। यहाँ मैं सिर्फ अपने बच्चों को जानती हूँ और किसी को नहीं। प्रीता जी, आप मुझे भी नहीं जानते। दी, किसी की भी बातों में आने की कोई जरूरत नहीं है, चलो यहाँ से। प्रीता जी, करण आपसे बहुत प्यार करता है। नहीं करता, नहीं करता।
नहीं करता मैं प्रीता से प्यार, से प्यार। तो यकीन है मुझ पे? अब तो यकीन है ना मुझ पे कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता? मुझे है, मैं आप पे पूरा यकीन करती हूँ कि आप दी से प्यार नहीं करते। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ सृष्टि, प्लीज बीच में मत बोलो। जवाब दो प्रीता, तुम्हें मुझ पर विश्वास है या नहीं कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, है या नहीं? नहीं करते प्यार। गुस्सा देखा अपनी आवाज में? ये प्यार नहीं है। क्यों नहीं होगा गुस्सा? हैं? क्यों नहीं होगा गुस्सा मेरी आवाज में? सब कुछ छोड़ छाड़ कर तुम यहाँ से चली गई अपनी मनमर्जी से, सब पुराने रिश्ते, ये घर परिवार, सब कुछ छोड़कर ऐसे चुटकी में, और वापस कभी मुड़के भी नहीं देखा कि कौन जिया, कौन मरा, कौन कितना जिया, आज तक कोई है या नहीं? प्रीता, पागलों की तरह तुम्हें ढूंढता रहा मैं, पागलों की तरह हर जगह तुमको ढूंढा। तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम थी, कोई शिकवा था, कोई गिला था, एटलीस्ट बात तो करती मुझसे। तुम्हें बैठ के समझाता मैं, चीजों को सॉर्ट आउट किया जा सकता है, उस टाइम भी किया जा सकता था, लेकिन नहीं, तुमने तब किसी की बात नहीं सुनी, तुम सीधा यहां से चली गई। और तुम्हारी यादों में ना मैं पागल हो गया था, ना सुबह का पता, ना शाम का पता, ना काम का पता, ना आराम का पता। करण लूथरा था, लेकिन अंदर से करण लूथरा मर चुका था। लेकिन तुमको क्या फर्क पड़ता है, है? तुम तो यहाँ इस घर के आसपास थी ना, इसी शहर में थी, लेकिन तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम यहाँ इस घर में आती थी, कई बार आती थी, सबने तुम्हें देखा और तुमने भी सबको देखा, लेकिन तुमने कभी किसी से मिलने की कोशिश नहीं की। और क्यों करती तुम मिलने की कोशिश? क्योंकि तुम चाहती नहीं थी ना किससे मिलना, इंटेंशनली तुम नहीं चाहती थी किसी से मिलना, इसलिए। बोलो, धड़कन महसूस कर सकती हो मेरी?